Hello everyone. I Tarun Kapoor. So we are starting today the mock test five of Constitution. You can follow my other playlist on the channel. Uh, the पॉलिटी सीरीज़ एंड द लीगल करंट अफेयर्स सीरीज बिकॉज मैं सभी इसमें फ्रॉम 2019 थाउजेंड 2020 टू टू जो 2020 के इम्पोर्टेंट लो एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर ये कवर किया जाएगा और सभी के सभी करंट अफेयर्स कवर करे जाएंगे इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक वाइज करे जाएंगे और डी यू एल एल के जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी एम हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मोक टेस्ट हैं एंड टॉटके एंड एंड द आई पी सी दैट वी सो and you can also follow me on my facebook page and on instagram and you can ask your doubts in the telegram group and you can also follow me on twitter as well at the rate as you imprint all the links are mentioned in the description and comment section so the first question is the ordinance can be promulgated by precedent under article a option 213 article b article 314 c article 111 एंड डी ऑप्शन आर्टिकल वन टू थ्री द करेक्ट आंसर इज़ वन टू थ्री और जो गवर्नर बनाता है वो आर्टिकल टू वन थ्री में बनाता है ऑर्डीनेंस को क्वेश्चन टू द लैंग्वेज आर गिवन इन स्केड्यूल ए ऑप्शन टेंथ स्केड्यूल बी ऑप्शन एलेवन स्कैड्यूल सी ऑप्शन ट्वेल्थ स्कड्यूल एंड द डी ऑप्शन एट्थ स्कैड्यूल द करेक्ट आंसर इज एट्थ स्केड्यूल में सभी लैंग्वेज मैंशन हैं कितनी लैंग्वेज हैं बाईस हैं क्वेश्चन थ्री In which case the right to legal aid was considered as fundamental right? A. MH Horse versus State of Maharashtra. B. Maneka Gandhi versus Union of India. C Khatri versus State of Bihar. D. None of the above. The correct answer is MH Horse Court versus State of Maharashtra. May right to legal aid ko fundamental right. Tha. Question 4. Which case is known as election case? A option, indira Gandhi. वर्सेज़ राज नारायण बी एम नागाराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सी जैन चौकीदार वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर डी वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर इज़ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस जिसमें जो इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शन थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अलाहाबाद कोर्ट ने इस तरीके से हमने डिस्कस करा था केसेस में क्वेश्चन फाइव अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ प्रोवाइडेड ए Article 268, B option, Article 368, C, Article 168, and D option, Article 366. The correct answer is Article 368. Question 6 Who takes the oath of a speaker? A, President, B, Chief Justice of India, C, no oath for speaker, D, none of the above. The correct answer is no oath because there is no provision of oath for speaker and deputy speaker. Question 7. Which case of Indian constitution is known as fundamental right case? A, op A option ADM Jamalpur case, B option Bhim Singh versus Union of India, C option Keshwanand Bhati versus State of Kerala, and D option Minerva Mills versus Union of India. The correct answer is Keshwanand Bharti versus State of Kerala is also known as fundamental right case. Question 8 Which constitutional amendment is often known as mini constitution? A option 42nd uh, Constitutional Amendment Act, B 44th Amendment Act, C 52nd Amendment Act, D option 86th Amendment Act. So द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज फोर्टी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिकॉज ये बहुत ही ब्रॉड था ठीक है और फोर्टी फोर्थ किसका है राइट टू प्रॉपर्टी का है फिफ्टी टू किसका है एंटी डिफेक्शन लो का है एंड एटी सिक्स जो है हमारा वो राइट टू एजुकेशन का है नाइन्थ क्वेश्चन पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज ए ऑप्शन मैगना काटा बी हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी हर्ट एंड डी नान ऑफ द अबव सो पार्ट थ्री है मैग्ना मैग्नाकाटा क्वेश्चन टेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कंटेन्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कि कौन से आर्टिकल्स में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है ए ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट बी ट्वेंटी नाइन टू थर्टी सी थर्टी टू टू थर्टी फाइव डी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट जो है वो उसमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है क्वेश्चन इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ए ऑप्शन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर बी फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज डी इक्वालिटी बिफोर लो द करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर जो हमारा बेसिकली uh, जो uh, हमारा आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लेटेशन बात करता है क्वेश्चन ट्वेल्व द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रजेंटेड बाय ए जवाहरलाल नेहरू जी बी वल्लभ भाई पटेल सी आर के शनमुगन शेट्टी डी मुरारजी रंछोनदास देसाई द करेक्ट आंसर इज़ आर के शनमुखम शेटी जी ने द फस्ट जो इन्होंने जो फाइनेंस जो हमारा यूनियन बजट था उसको प्रजेंट करा था क्वेश्चन थर्टीन वेन वॉज द एंटी डिफैक्शन लो पास्ट ए नाइनटीन फिफ्टी बी नाइनटीन सिक्सटी सी नाइनटीन एटी फाइव एंड डी टू थाउजेंड फाइव द करेक्ट आंसर इज 1985 में एंटी डिफैक्शन लॉ को पास किया गया था क्वेश्चन 14, वेयर आर द क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लोकेटेड ए न्यू दिल्ली, बी दार्जिलिंग सी मुंबई डी गाजियाबाद द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 15, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एड एडवोकेट जनरल बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सी वाइस ऑफ़ चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज डी ऑल ऑफ द बब द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द बव ये सभी के सभी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं क्वेश्चन सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेसर ग्रुप्स ए ट्रेड यूनियंस बी कास्ट ग्रुप्स सी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन डी ऑल ऑफ़ दब द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द बव सभी ही प्रेसर ग्रुप्स हैं Question 17 The number of representatives of Rajya Sabha from states and union territories are among which one of the following A 238 B 212 C 200 D 220 ठीक है कि जो राज्यसभा जो कितने नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा के जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में लिए गए हैं तो दो हैं जो बारह होते हैं वो जो बारह हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो अपर हाउस है क्वेश्चन एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिमेन इन फोर्स ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी ए आर्टिकल थर्टी टू बी आर्टिकल ट्वेंटी वन सी आर्टिकल नाइनटीन डी आर्टिकल फिफ्टीन जो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है एनफोर्स रहता है ये सस्पेंड नहीं हो सकता है ठीक है क्वेश्चन नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कोल्ड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर ए आर्टिकल थर्टी टू बी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट सी आर्टिकल नाइनटीन d article 15 so art, article 32 has a right to constitutional remedy is hurt in soul of indian constitution question 20 which of the following article of indian constitution deal with the appointment of attorney general of india B. A, sorry a option article 72 b option article 74 c article 76 and d articles 68 the correct answer is 76 so all these questions are very important from your uh, low entrance exam point of view so these are the 20 questions for today because 25 jada ho jate hain and do like subscribe and comment on the videos and if you have any doubt you can ask in the comment section and do not sub forget to subscribe the channel and press the bell by uh, icon so that you can get the notification automatically thank you so much